50 बेड का हॉस्पिटल, जींद में 200 बेड का हॉस्पिटल, नरवाना में पॉलिटेक्निक, राजीव गांधी हॉस्पिटल में वुमेन कॉलेज, ये तो मोटी मोटी मैंने आपको बताई बात, चाहे वो सिटी पार्क है जींद का और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हर में तो मोटा ही आता हूँ ना। पार्टियों से सवाल ये है, क्या वो एक भी उपलब्धि बताया, ऐसा बता सकते हैं प्रोजेक्ट वो रेलवे लाइन का, नरवाना में 108 एकड़ में जो है हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का काम किया, उसके बाद हमने जो इंडस्ट्रियल एस्टेट लाने का काम करे थे वो ठप कर दिया इन्होंने, उसका आना था। तो ये 5 साल इस सरकार को हो गए और 5 साल हो गए, जनहित का सरकार कांग्रेस की पार्टी दे सकती है। उसी के समय में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्ग जो है संतुष्ट था और इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट। सीएम साहब की बात की जाए तो चाय पर अब चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर गए, 30 जगहों पर उन्होंने चाय का आज कार्यक्रम रखा हुआ था। किस तरीके से उनकी बयानबाजी आज के दिन रही है ये आप देख लीजिए। बात बता दें कि 15-15 साल से जो काम लटका के गए हैं और वो लटके किन कारणों से हैं, मैं देख रहा हूँ 20 साल से एक काम तो जिसको हम भी नहीं सुलझा पाए हैं वो रोहतक जींद की सड़क है, कोर्ट में आज भी फंसी हुई है। कंसेशनर से उनके झगड़े होते थे, क्यों झगड़े होते हैं और क्या उनकी सौदेबाजी नहीं होती, हमारा शुरू किया हुआ काम तो एक भी बंद नहीं हुआ, चाहे ये काम है चाहे केएमपी का काम है। केएमपी का काम भी 15 साल बाद मैंने सुलझाया, हमने लखवार डैम का काम 40 साल के बाद ठीक किया, आज लखवार डैम का हमारा एमओयू हो गया, रेणुका डैम का हो गया बहुत दिनों के बाद, बहुत कुछ दिनों के बाद हमारा किसाऊ डैम का वो होने वाला है। ये काम करने की बजाय इनका लटकाने का एक अभ्यास रहा है और इस लटकाने के अभ्यास में कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड जो इनके फैक्ट चलते थे, जो उजागर हो जाए तो उसमें तो भाग जाते थे, उजागर नहीं हो तो अपना सौदेबाजी कर लेते थे। इन्होंने क्या क्या नहीं किया, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जीत मानता हूँ मैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत मानता हूँ तो मुकाबला क्यों मानूं। किस पार्टी को सेकंड नंबर में मानते हैं? सेकंड और थर्ड की लड़ाई उनकी दोनों की चल रही है, जजपा की भी और कांग्रेस की भी। उनको ये है कि आगे आने वाले समय में कम से कम विपक्ष की अपनी कुर्सी किसी को मिल जाए, क्योंकि जिसके पास विपक्ष की है वो तो खो बैठा। अब इन दोनों में ये है कि विपक्ष में कौन बैठेगा, ये उनकी लड़ाई आपस में चल रही है जनता में, जनता के लोग संतुष्ट हैं इस बात से। केवल वो जो उल्टी सीधी राजनीति, जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं, ये भयंकर राजनीति है और मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा जनता इन बातों से समझती है कि जातिगत पॉलिटिक्स में हमको नहीं आना है और ये जातिगत पॉलिटिक्स हमेशा प्रदेश को पीछे लेकर के जाती है, इसको कभी नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी वो फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जो फिलहाल की वो सदस्य हैं उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, वो नहीं आते, यही यही विडंबना है और यही उनका जो एक टोटा है, जिसको मैं टोटा कहूँगा अपनी भाषा में, कि उनके पास और कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। और जो आदमी कैथल की विधानसभा का सदस्य होते हुए भी विधानसभा में 70 में से 7 सीट 7 बार नहीं आया, 10% की हाजिरी नहीं है उनकी, और 10% भी हाजिरी आई तो आए बैठे शक्ल दिखाई हाजिरी लगाई, शायद उनको लगता होगा भी ये भी नहीं गया।